हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द जनरल ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, और ये चाहे आप कोई सी भी तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हो, सब पे ये वाले प्रिंसिपल्स जो हैं वो लागू होते हैं। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है जनरल ट्रेनिंग का, वो है हमारा ओवरलोड प्रिंसिपल। तो ये ओवरलोड प्रिंसिपल हमको क्या सलाह देता है बच्चों? ये बोलता है कि अगर तुम्हें किसी इंडिविजुअल को ट्रेन करना है, ठीक है, तो उस पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओवर प्रेशर देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो कोई रेसलर है, ठीक है, एग्जांपल आप किसी रेसलर की ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर वो रेसलर मान लो 10 किलो का वज़न आराम से उठा सकता है, ठीक है, और आपको उसकी ना ट्रेनिंग करवानी है, तो अगर आप उसको 10 किलो ही उठवाते रहोगे तो क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? और नहीं बढ़ेगी, जितनी है पर उतनी ही रहेगी, ठीक है। 10 किलो उठा सकता था, आप भी 10 किलो ही उठवा रहे हो, तो उसकी 10 किलो तक की ताकत बनी रहेगी। बट अगर आपको उसे और ट्रेन करना है, उसे और अच्छा बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसे धीरे धीरे 12 किलो, 15 किलो, देन 20 kg तक उसको लेके जाओगे। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी की बॉडी को फंक्शनिंग जो है वो और एफिशिएंट करवानी है और इम्प्रूव करानी है, तो आपको उसे ओवरलोड देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लो, अगर आप अपनी पढ़ने की रीडिंग की कैपेसिटी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो अगर आप दिन में सॉरी महीने में अगर आप एक बुक पढ़ते थे, तो आप क्या टारगेट रखोगे कि अब से मैं महीने में 2 बुक्स पढ़ा करूँगा या पढ़ा करूँगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड ले लिया कि भाई अब मुझे 30 दिन में, पहले तो मेरे को एक ही बुक पढ़नी होती थी, पर अब मुझे 30 दिन के अंदर टोटल 2 बुक्स पढ़नी है अपनी, कंप्लीट करनी है। तो आपने क्या किया, ओवरलोड किया। तो सेम प्रिंसिपल जो है ना बच्चों, वो ट्रेनिंग में भी अप्लाई होता है, ठीक है, कि जब तक आप उस इंडिविजुअल को उसके थ्रेशहोल्ड तक ही, यानी कि जितना वो बर्दाश्त कर सकता है वहीं तक अगर उसको एक्सरसाइज करवाते रहोगे, तो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। हाँ, जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, बट अगर आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट करानी है, फर्दर उस इंडिविजुअल की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लोड देना पड़ेगा, जितना वो ले सकता है उससे ज़्यादा लोड देना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको ओवरलोड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है, इसको हम कहते हैं हमारा ओवरलोड प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल जो आता है बच्चों, वो है सेड प्रिंसिपल। अब सेड का फुल फॉर्म है यहाँ पे स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। तो ये किसका एक्सटेंशन है, वुल्फ लॉ का। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जैसी आपके पास डिमांड होगी उस हिसाब से स्पेसिफिक अडेप्टेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। वुल्फ लॉ कहाँ पे पढ़ा था हमने, एनाटॉमी में, जब हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रोथ ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये वाला प्रिंसिपल अडेप्टेशन में क्या कहता है बच्चों, कि जो आपकी अडेप्टेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम होगा ना, उस हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस आने लग जाएंगे और फिर वो रम जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर मान लो मैं किसी को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं उसको वेट उठवा रही हूँ, ठीक है, और एक तरफ मैं उसको सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रही हूँ, वो सिर्फ रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, और एक तरफ वो बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर रहा है अपने बॉडी के रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, उसके बाद में उसको एडिशनली वेट्स भी लिफ्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो दोनों की ट्रेनिंग से जो इफेक्ट आएगा, जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट आएगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक में तो उसका जो ज़्यादा फोकस है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, जब हम एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो हमारा मसल वर्क है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो अडेप्टेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल के अंदर आती है, सेड प्रिंसिपल के अंदर। नेक्स्ट इज़ दी स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग। अब देखो, स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग में इन्होंने क्या बोला, कि जो आपकी बॉडी में इफेक्ट आएगा ना, वो आपका ट्रेनिंग के स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहे हो, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपके अंदर बॉडी में चेंजेस आएंगे। अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आएंगे। अब देखो, बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द सेड प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। तो देखो, दोनों प्रिंसिपल जो है ना वो अलग अलग है। सेड के अंदर वो क्या कह रहा है, कि जैसी आप डिमांड दोगे ना, वैसी मैं आपके बॉडी के अंदर चेंज करूँगा, ठीक है। आपने मेरे को डंडा मारा, मेरे को दर्द होगा, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग में वो क्या बोल रहा है, कि जैसी आप ट्रेनिंग दोगे ना मुझे, मेरे अंदर वैसे ही चेंजेस आएंगे, ठीक है। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, कि मेरे अंदर वैसे ही अडेप्टेशन होंगी जैसी आप मुझे कंडीशन दोगे। तो दोनों में देखो, बातें तो एक जैसी ही हैं, बट उनको रिवर्स करके बोला गया है। सेड में वो क्या कह रहा है, कि जैसी अडेप्टेशन होगी वैसे ही डिमांड आ जाएगी,
ठीक है, यानी कि जैसी डिमांड हुई वैसी अडेप्टेशन हो गई। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग में यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया, जिस हिसाब की ट्रेनिंग दोगे उस हिसाब की जो है वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल। अब इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, इसमें ये बोलता है कि जो हर इंडिविजुअल है ना वो अलग है, ठीक है, एवरी वन इज़ डिफरेंट। जो हो सकता है कि मैं 2 दिन भूखी रह लूँ, आप 1 घंटा भी भूखा नहीं रह पाओ, ठीक है, तो मैं अलग हूँ, आप लोग अलग हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बोलता है कि अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ठीक है, और वही सेम एक्सरसाइज अगर मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी करा रही हूँ, तो दोनों के अंदर जो चेंजेस है ना वो डिफरेंट आएंगे। हो सकता है किसी के अंदर 1 महीने में चेंज दिखे, और हो सकता है कि जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसको मैंने सेम सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करवाई हैं उनके अंदर मुझे 2 हफ्ते में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हर इंडिविजुअल की ना बॉडी टाइप, ठीक है, ऑक्सीजन अपटेक, कैसी उसकी डाइट है, कैसा उसका जेनेटिक्स है, वो सब अलग होता है। इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल ट्रेनिंग के दौरान कंसिडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल को बच्चों हम डी ट्रेनिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये कब होता है कि जब आपने बहुत ट्रेनिंग कर ली किसी इंडिविजुअल ने, बट जब वो उस ट्रेनिंग को छोड़ेगा ना, तो जो उस ट्रेनिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे रिवर्स बैक होने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो जिम जाते हैं, पर अगर वो जब तक वो जिम जाते हैं तब तक तो उनके अंदर काफ़ी अच्छे आपको उनकी बॉडी वॉडी दिखेगी। जैसे ही वो जिम छोड़ेंगे या फिर अपनी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करेंगे ट्रेनिंग वाली, तो उनकी जो बॉडी है ना वो रिवर्स मोड में चली जाती है, यानी कि जैसे वो पहले थे या तो वैसे हो जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा उनकी जो बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ये कब होता है कि जैसे मान लो आपने आज ट्रेनिंग रोकी, तो उसके 1 या 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में जो ये रिवर्सिबिलिटी के चेंजेस हैं ये आने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जब एथलीट्स होते हैं, स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं, जब उनका ऑफ सीज़न होता है, यानी कि जब वो मतलब किसी गेम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, तब भी उन्हें बोला जाता है कि आप अपनी रेगुलर ट्रेनिंग करो, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेनिंग छोड़ोगे तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं बच्चों, ओवरलोड, सेड, स्पेसिफिसिटी, इंडिविजुअलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो हमको ध्यान रखने चाहिए जब हम किसी भी पेशेंट को, हमारे केस में पेशेंट को या फिर किसी एथलीट को हम कोई भी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। क्योंकि इन्हीं 5 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंट का जो पूरा प्रोग्राम है वो तैयार करना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल आप कब अप्लाई कर पाओगे? जब आपने पेशेंट का पूरा अच्छे से सारी हिस्ट्री और उसका असेसमेंट कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि तभी तो आप उसका, जैसे ओवरलोड प्रिंसिपल है, आपको अगर पेशेंट का थ्रेशहोल्ड ही नहीं पता तो आप इंक्रीज़ क्या करोगे? अब आपको थ्रेशहोल्ड कैसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है, ये पेशेंट आया मेरे पास, ये 1 किलो का वजन उठा सकता है। आपने असेस कर लिया, अब उसको स्ट्रेंथ चाहिए और, ठीक है, तो आप उसको 1.5 किलो से शुरुआत करोगे ना, डिपेंडिंग। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इन प्रिंसिपल्स का जब आप किसी भी पेशेंट को अपने एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करोगे तो इनका ध्यान रखना है। थैंक यू।